बिसम द टॉपिक गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इस नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी में जो एक uh, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करते हैं सो लेट्स विद दिस थिंग क्लिनिकल एवेल्यूशन ऑफ हिमाचुरिया एक सीनारो है जिसमें हिमाचुरिया फ्लैंक हिमाचुरिया फॉर टू डेज अब लोअर अब डोमिनल पेन है एंड यूरन डिपस्टिकोज माइक्रोस्कोपिकमाचूरिया पर से हेमचूरिया को हम तब डिफाइन करते हैं हम किसी भी उस कंडीशन को हेमचूरिया डिफाइन करते हैं व्हेन देयर इज मोर देन फाइव रेड ब्लड सेल काउंट पर हाई माइक्रोस्कोपिक फील्ड और मिड स्ट्रीम फ्रेशली कलेक्टेड स्पेसिमेन हो तो उसमें हम इमेचूरिया उसे कहते हैं कि पाँच से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हों मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेफ्रोलॉजी में से जो है जो पिछले साल इसका ए सी क्यू भी आया था दैट इज़ एक्यूट पोस्ट ऑप्टिकोकल गुलमैलोन अब इसका सिनेरियो पढ़ें पेपर सेवन ईयर ओल्ड गर्ल विथ सिजर्स एंड द्लाइड फेशियल पेरीफिलोडीमा ब्लड प्रेशर वन एटी बाई ट यूरन एग्जाम विद ही अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें फ्रॉटिक डिजेज मेंबिटल डीमा था पेरी ऑर्बिटल पफिनस पेरी ऑर्बिटल डीमा या पेरी ऑर्बिटल पफिनस क्यों होती है कि जो आई के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं ना होता है कि वो मसल्स चूँकि एल्ब्यूमिन लॉस्ट हो चुकी होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन यूरिया हेमथ यूरिया प्रोटीन यूरिया बेसिक एल्ब्यूमिन लॉस्ट हो चुकी हुई होती है इसकी वजह से मसल्स होते हैं अराउंड द आइज दे आर दे बिकम लीकी और वहाँ से दे लीकी होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा डीमा कलेक्शन हो जाती है यहाँ लिखा हुआ है सिक्स यूर बॉय प्रजेंट विद ब्राउन डार्क यूरिन देर इज अ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट यूरिन आउटपुट इज़ ऑलसो डिक्रीज ओलिगो यूरिक हो जाती है हो जाती है कंडीशन आउटपुट यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज इज एक्टिव नॉन टॉक्सिक बी पी वन फोर्टी बाई नाइनटी पैरियाल डीमा वन फोर्टी बाई नाइनटी इज हाई टेंशन ओके हेमाचूरिया प्रोटीन यूरिया ब्लड सेल काउंट इज आप टू बी प्रेजेंट इन द अंडर द माइक्रोस्कोप तो हेमाचूरिया भी होता है अलॉन्ग विद प्रोटीन यूरिया अब ये पासवे पर क्वेश्चन है इसके बिस्नारे में दर इज वॉट इज द स्किन इन्फेक्शन थ्री डेज अगो और फिर उसे जो है प्रोटीन यूरिया हेमचूरिया पेरी ऑर्बिटल ये सारा कुछ हो रहा है ओलीग यूरिया एयर ओल्ड बॉय विद हिस्ट्रिक पेरी स्वेलिंग एसोसिएट विद स्मोकी यूरिन ओलीग यूरिया पोस्टुलर स्किल इन्फेक्शन पेरी ऑर्बिटल अडीमा Cold colored urine, unconscious convulsions are with puffy eyes. Is scenarios ka, mid ankle edema recurrent throat infection over the last two years are puffy eyes with mild ankle edema pulse 120 blood stained uh, blood pressure sorry 131 90 and chest is clear. She has no ascites. Is scenarios cancer is post reptilogal glomerulonephritis it's very common. it's far most common form of the post infectious nephritis A sudden onset hematuria. Or, एडीमा हाइपरटेंशन डी रेंज आर एफ टीज वर द्लिनिकलिनिकल फाइंडिंग्स तो बता दें बाकी इट्स अफ्रेंस इज मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल्स हाउ डू यू गो फॉर अ डायग्नोसिस यूरन एग्जामिशन यूरिन एग्जामिशन में आपको हिमाचुर मिलता है माइक्रोस्कोपिक या और ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक में मिले प्रोटीन यूरिया मिलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन 1.2 पॉइंट टू ऑस्मिलिटी इज ग्रेटर दैन सेवन हंड्रेड मिली किलोग्राम ब्लड एग्जामिनेशन ई एस आर रेड हीमोगबिन लेवल डिक्रीज वाई बिकॉज ऑफ हीम रेल्यूशन टोटल एंड टी एल सी एंड डी एल सी इट यूजली रिमेज सेम बहरहाल कम्प्लीमेंट सी थ्री लेवल इज डिक्रीज ए इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए इसका एविडेंस लेने के लिए थ्रोट स्वैप कल्चर एंड रेज टाइटर एंड टेस्ट कराते हैं रेल फंक्शन टेस्ट में देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्लोटिन लेवल देर रेज सीरमलेक्टोलाइट हाइपरिम एंड हाइपर क्लियेट्री रेंज चेस्ट एक्सरे रिवीलोकिन पेरी हाई इनफिल्ट्रेट ऑफ पलमेडीमा रेनल बायोसिड बिजरेली इंडिकेटेड बिकॉज डायग्नोसिस हो जाती है मेडिकल टेस्ट पर ही इनवेसि प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं।, नहीं।, नहीं है हाउ डुड मैनेज द केस मैनेजमेंट इसकी होनी यही है कि इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट किया जाए और फिर दिए जाए जेनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट में बेड रेस्ट एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसलिन एंटीबाटिक पेंसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस आप फाइव लाख यूनिट्स आई एम टाइस डेली दो बेंजाइल पेनिसिलिन के या फिर औरल पेनिसिलिन वी टू फिफ्टी मिलीग्राम फोर टाइम्स डेली फॉर फाइव टू सेवन डेज डायरेक्ट्रीट रिस्ट्रिक्शन में क्या है फ्रूट जूसेज़ आर अवॉइडेड। अगर फ्रूट ओवरलोड हो जाए तो प्लीज गिफ हो नो एडिड सॉल्ट सोडियम नो मोर देन ट्वेंटी फाइव मिली इक्वल पर लीटर और कैलरीज भी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डेली अलाउंस आर डी ट्रीटमेंट ऑफ द कम्पलीकेशन अगर कम्पलीकेशन हो जाए लाइक स्वियर एन यूरिया हो जाए उलिग यूरिया हो जाए प्रोटीन तो प्रोटीस आपने कम्पलीटली दिस शुड बी विदड्रॉन वी हैव टू प्रिवेंट हाइपर कलिनिया विदड्रॉ पोटाशियम इनटेक फ्लूड्स आपने देने हैं करेक्ट मेटाबॉलिक फ्लूड्स आपने इस तरह देने हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ग्लूकोज इन वाटर ताकि उसको थोड़ी सी न्यूट्रिशन uh, भी जाए करेक्ट मेटाबॉलिक के सिर से सोडियम बायोकार्बोनेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए तो प्रॉपर पोजिशन हो जाए हार्ट फेलियर के गिव ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूड इंटेक गिव लाइक फ्यूरो कंट्रोल ब्लड प्रेशर पैट रेड ब्ल देंगे केस एनीमिया uh, है तो और एंड यूरिया बियॉन्ड टू टू थ्री डेज दे मेरे रिक्वायर डायलिसिस टू मैनेज फ्लूड ओवरलोड एंड एलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड अपू न्यूट्रिशनल सपोर्ट हाइपर टेंसिव हो जाए तो इंजेक्शन in हाइड्रोल देंगे फ्यूरोमाइड uh, दे सकते हैं अमिलोडपिन औरल बीटा ब्लॉकर्स एस इनहिबिटर्स और एयरबीज नहीं देने देर कॉन्ट्रा इंडिकेटिव बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसो डॉक्टर कोको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ये हर पास के क्वेश्चन में लाजमी आया हुआ हुआलोफ्राइटिस आइजीन एफ्रोपेथी एस एल ई एच एस पीस्कुलटिस सिंड्रोम एंडोकार्डाइटिस पोस्ट में स्टाफ यामो निमोकोकस आ सकते हैं प्रोग्नोसिस लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस चिल्ड्रन में तो अच्छी है बड़ों में मसला कर सकती है बारह कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हर तरफ ही मसला हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नाटिक सिंड्रोम अब नेफ्राटिक सिड्रोम में क्या है कि चार साल का बच्चा है उसको फेशियल और डीमा जर्नलाइज स्वेलिंग इज एफी ब्राइल पिटिंग पेडल अडीमा पेरीऑर्बिटल अडीमा हीज नो ही हैजाइटिस विद नो ऑर्गेनोमली प्रोटीन बहुत ज्यादा यूरिन मैडी दर इज प्रोटीन यूरिया ट्वेंटी फोर आवर यूरिन कलेक्शन ऑफ पर्सन शोज टू पॉइंट फाइव ग्राम पर ट्वेंटी फोर आवर्स हाइपर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोलेस्ट्रोमिया नेफ्रोटिक्स फिन्रोमोस्ट कॉमन रीनल डिजीज इन चिल्ड्रेन स्पेशली उसकी मिनिमल चेंज डिजीज वेरियंट आर इट इज करेक्टराइज बाई प्रोसिव जर्नलाइज अडीमा हैी प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन वन ग्राम पर मीटर स्क्वेयर पर ट्वेंटी फोर आवर्स हाइपो हाँ, हाँ, एल्बीमिनिमिया ब्लड में ऑब्वियसली कम रह जाएगा लेस दन टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव मिल ग्राम पेडेसिलीटर हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हाइपर कोलेस्ट्रोलिम क्यों होता है क्योंकि यूरिन में एक इन्जाइम लाइपेस या तो वो वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर या फिर लिवर जो है एल्ब्यूमिन छुट्टी कम है बॉडी में उसको कम्पनसेट करने के लिए थ्रोज मोर ट्रासे कोलेस्ट्राइड्स एंटीथ्रामबिन थ्री कम हो जाता है दैट कॉज मोर दिस डिसऑर्डर हाइपर कोगोबल स्टेट हो जाती है और इम्यनोग्लोबिन भी जो है वो कम हो जाती हैं ना कमिंग अगेन टू द पॉइंट के अच्छा ये इसमें है कि मेकैनिज्म ऑफ प्रोटीन यूरिया प्रोटीन यूरिया क्यों होता है जो सारे बेसमेंट में ब्रेन है ना ग्लोमेलो की वो नेगेटिवली चार्ज हो अल्ब्यमन भी नेगेटिवली चार्ज हो तो अल्ब्यूमन वैसे नहीं जाती लेकिन इन केस ऑफ ग्लोमेलो नेफ्राइटिस तो नेगेटिव चार्ज जो है मेम ब्रेन का दिल लूज़ एट तो जिसकी वजह से बेसमेंट ब्रेन का नेगेटिव चार्ज इज लॉस्ट तो फिर अल्ब्यूमन इज लॉस्ट इन यूरिन हाउ यू डाइग्नोज ए डिपस्टिक प्रोटीन यूरिया टाइम यूरिन कलेक्शन वन प्रोटीन यूरिज मोर देन फोर्टी मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आर और वन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ट्वेंटी फोर आर से ज्यादा हो स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन क्रेटनिन इज ग्रेटर देन टू मिलीग्राम पर मिलीग्राम इज रेशो या स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन की रेशो टू करेटनिन इज ग्रेटर दैन टू हाइपर एल्बोनीमिया बॉडीडी में टॉप फाइव ग्राम पर डाइसिलटर से कम हो एल्बेमिन कलेट्रो एमिया ग्रेटर टू ट्वेंटी मिलीग्राम पर डैसी बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी आपने डूल कर देना टी वी तो नहीं है हेब बी हैब सी तो नहीं है ई एल टी लेल्स ठीक है फिर आपने स्टार्ट करना जनरल मैनेजमेंट में वही बेड रेस्ट पेशेंट एजुकेशन पेशेंट काउंसलिंग बाकी ये कि डाइट अवॉइड फैट्स रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट सॉल्टे डायबेटिक्स देने फ्योरसिमायट वगैरह इट इज़ बेस्ट टू इन्फ्यूज सॉल्ट फ्री एल वन ट्वेंटी फाइव परसेंट डोज ऑफ वन ग्राम पर किलोग्राम अग विद फ्योसिमाइट इन सच सिचुएशन स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ्रॉटिक्स इन रोम इट्स Knee it's steroids. Steroids is given OD in the morning, uh, 60 milligram per meter square per day, and it should not exceed more than 60 milligram per meter square per day. What can be the complications? Of, what can be the adverse effects of steroids? It can cause Cushing syndrome, hypertension, osteoporosis, gastritis, diabetes mellitus, recidine, hypertension, proximal myopathy, delayed wound healing. What can be the complication of throatic syndrome? Infections. सेप्सिस वगैरह करते हैं थ्रामोमलिज क्यों क्योंकि हाइपर हाइपरकॉगोबल स्टेट होती है एंड थ्रामिन थ्री नहीं है रिलैप्स इन अपर रि ट्रैक इन्फेक्शन एंड दिस दिज ऑल कॉम्प्लिकेशन प्रोग्नोसिस बच्चों में तो इट्स वेरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है एट हैज वेरी गुड रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड इवन स्टीर केसेज के स्टीरॉयड से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मिनिमल चेंज डिजीज का जो इसका वेरियंट है द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्ट किडनी इंजरी फेलियर तो इसमें क्या है हिमाचूरिया है ऑन एग्जामिनेशन ये कि पर्सन वुड भी एन यूरिक ऑब्वियसली रीनल ही फेल कर गया तो यूरिन तो बनेगा ही नहीं ब्लड प्रेशर वुड भी हाई हाईपर टेंसिव हाइपर नेट्रोनिमिक हाइपर कैलीमिक मेटाबोलिक किसीडोस यूरियान रेज दर इज कैलिफिकेशन बोथ द किडनी एंड ऑबस्ट्रक्शन अब किडनी इंजरी हुई है या किडनी फेल हो रही है जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ क्लिनिकल स्टेट विद सडन डिट्रीडेशन इन द किडनी फंक्शन रिजल्ट इन इन एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू एक्सट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस इन द फ्रूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वट आर ये, ये, ये रीनल फंक्शन टेस्ट जो हम कहते हैं यहाँ हम कह रहे हैं कि क्यों क्रीनल फेलिंग में कि रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हैं सो so, हैंट आर रीनल फंक्शन टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्ट यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पेज पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड नॉर्मल ब्लड यूरिया नॉर्मल क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन ये सारी चीज़ें मिलाती हैं और बनाती हैं नॉर्मल रीनल फंक्शन टेस्ट और जब ये डिस्टर्ब हो जाए तो इसका मतलब है कि वाकि जो किडनी है दैट इज़ डिस्टर्ब्ड और इट हैज़ प्री रीनल कॉजेज पोस्ट रीनल काज रीनल कॉजेज जिसको हमें मेडिसिन में पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देखनी है इन्वेस्टिगेश में विल सी सी बी सी विद पैरफिल फ्रम इन विरो माइक्रो एनजोपैथिकमोलिस एंथ्रम्बोसाइटोपीआ एंड रेटिक्लोसाइटोसिस स्पेशली इन हीमोलटिक यूरमिक सिंड्रोम जिसमें किडनी इफेक्ट होती है देखिए किडनी इंजरी होती है रिनियल फंक्शन टेस्ट में बी यू एंड क्रेटिन दे वुड बी रेस्ड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लो सोडियम हाई पोटेशियम लो कैल्शियम हाई फॉस्फेट ये ऑल्टरनेट uh, करते हैं सोडियम और पोटेशियम ऑल्टरनेट करते हैं कैल्शियम एंड एंडस्फेरेट ऑल्टरनेट करते हैं यूरिक एसिड इज ऑलवेज रेज थायराइड कल्चर थ्रोट सॉरी थ्रोट कल्चर हम इसलिए कराएंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ तो नहीं जा रहा बाकी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड प्लेन चेस्ट एक्सरे मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी डायग्नोस्टिक टेस्ट पोस्टीरियर यूरिथ्रल यूरिथ्रल में रिफ्लेक्स रीनल बायोप्सी कराएंगे आपसी एटियोलॉजी इज नॉट नोन एम वन अनरिमिटिंग्यूट किडन इंजरीज मोर देन टू टू थ्री वीक्स वेर इट मे रिवीक रिसोमेलोफ्राइटिस और एक्सटेंट ऑफ रीनल डैमेज इन्यूटो नेक्रोसिस कॉर्टिकल ने तरफ जा रही है तो फिर आप, आप वे से प्रोसीजर कर सकते हैं हाउ ड्यू मैनेज द केस मैनेजमेंट में एक मेटेन आई वी लाइन रॉप ब्लड सैंपल सारा वही मॉनिटरिंग उसकी इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग और ई सी जी सारे वही चीजें जो अपने जर्नल बेसिक करते हैं जो स्पेसिफिक थेरेपी है वो उसकी फ्लूड थेरेपी है और उसका फ्लूड थेरेपी में आपने मेंटेन करना है कि उसका ओवर ओवर फ्लूड फ्लूड ओवरलोड ना हो जाए या अंडर ना हो जाए और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर तो सारे कुछ करने के बावजूद खुदाना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो हैव टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन टू लाइक रिंगल फेलियर विथ फ्लूड ओवरलोड ऐसी कंडीशन भी हो रही थी उसके परमानेंट डीमा को भी ट्रीट करना है फिर तब आई फ्लूड्स कोई भी नहीं देने गिफ्यूर टू मिली पर किलोग्राम डोज ताकि जितना भी पानी है वो निकले बॉडी से इस तरह हाइपर क्लीमिया हो गया हाइपर क्लीमिया हो गया या हाइपोक्मिया हो गया दोनों सूर्त में हमने आई वी ग्लूकोनेट तो देने ही देना है आई वी कैल्शियम ग्लूकोनट सॉरी सोडियम बायोकॉब दें ग्लूकोज सोल्यूशन टू करेक्ट द हाइपर क्लीमिक स्टेट ऐसे उसको भी कलेक्ट करेक्ट करना है बायोकॉब इस रोसे में बायोकाब देंगे और भी कैसे कैलकुलेट करेंगे द फॉर्मला जीरो पॉइंट थ्री इंटू वेट ऑफ किलोग्राम इंटू ट्वेल्व माइनस सोडियम बायोकॉबनेट जितना भी नॉर्मल है सपोज इट्स टेन ट्वेल्व माइनस टेन टू टू इंटू नॉर्मल बॉडी वेट वेटलेट सपोज उस बच्चे का था फिफ्टी इंटू फिफ्टी थर्टी थर्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री तो वो आपने कैलकुलेट करके सारा फिर उतने उसे बायक आट देना हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया को करेक्ट करने के उन्होंने बताया हाइपोकैल्सीमिया कैल्सम हाइपो फॉस्पोटीमिया आई वी कैल्शियम ग्लूकोनेटनी बिकॉज इट कॉल टटनी एंड कन्वोल्शन हाइपोनिटोनीमिया के केस में विल गिव आई वी सैलाइन सोडियम आप देंगे जीरो पॉइंट सिक्स इंटू वेट इंटू वन पॉइंट टू वन ट्वेंटी फाइव माइनस सोडियम दैट इज प्रेजेंट मिली इक्वल हाइपर टेंशन को करेक्ट करना है सीज़र्स को डायजिपाम यू कैन गिव डायजिपाम्स एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हाइपर टेंशन के लिए निफिडिपिन डाइड कैल्शियम चार ब्लॉकेट इफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अनिमिया के लिए इफ़ इट फॉल्स बिलो सेवन ग्राम पर डायस यू कैन गो ब्लड पैक टेन मिली लीटर पर किलोग्राम

केयरफुल हाइड्रेशन बिफोर रेडियो कंट्रास्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फोर्स diuresis along विद allopurinol एंड prevent ए के आई ड्यूरिंग ट्यूमरलाइसिस अच्छा ये कंट्रास्ट वाला अक्सर लोग सी टी स्कैन कराने से पहले आर एफ टीज कराते हैं ये चेक करना होता है कि ड्रग बाहर बाद में निकल भी जाएगी तो केयरफुल हाइड्रेशन भी केयरफुल हाइड्रेशन बिफोर रेडियो कंट्रास्ट डायग्नोस्टिक्स वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंटेंट पॉइंट टू पॉन्डर फोर्स डायर आइसिस विद एरो अलॉन्ग विद एरोल ऑल टू during ए uh, tumor lysis tumor lysis हाई इंडेक्स of suspicion सिचुएशन हाई रिस्क ऑफ़ risk of AKI कैसे हो सकता है हाई रिस्क ऑफ ए के आई पोस्ट कार्डिक सर्जरी सेप्सिसट्री सपोर्ट यूज अ बेसिस प्रेसेस एंड एनोट्रॉप्स प्रोग्नोसिस की डिपेंड ऑन द केस अगर एक पेशेंट उसका क्यूटल ने क्रोचते पीरियड ऑफ एन और एलगू यूरिया लास सेवन टू टेन डेज है तो यू नो इसकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड है माइट भी पॉसिबल की बुरी हो ओलिग यूरिया लास्टिंग मोर लॉन्गर दैन थ्री वीक्स और एन यूरिया मेक्स अ डायग्नोस वेरी अनलाइकलीगू यूरिया है तीन हफ्तों से ज्यादा एन यूरिया भी है तो इट मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ अक्यूटेबलो नेक्रोसिस वेरी अनलाइकली कि नहीं ऐसे ऐसी चीज को हम अयोटेबलो ने नहीं कह सकते प्रोग्नोसिज नाइन गुड नाइनटी परसेंट कंप्लीट रिमिशन इन अक्यूटो नेक्रोसिस सिंड्रोम एंड अदर अदर कॉजे रिस्पॉन्बल प्रीरल फेलियर बट इट इज पुअर वैन द रीनल फेलियर इजल्ट फ्रॉम रेपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेल बाई लिटल रीनल वेन थ्रम्बोसिस या बाइलिटल कॉर्टिकल नेक्रोसिस क्रॉनिक रीनल फेलियर भी है एक ऐसा बच्चा जिसमें ग्रोथ फेलियर है पेलर है हेड एक है फेशियल पफिन ऐसा क्रेटनिन उसकी थ्री सेवन तक चली गई है सोडियम इज वन फोटी सिक्स एंड पोटेशियम इज सिक्स पॉइंट फाइव दैट इज़ वेरी हाई हाईप्रकलीमियम कैल्शियम इज एट पॉइंट फाइव दैट इज नॉमल फॉस्फोर इज आल्सो नॉर्मल तो क्रॉनिक रीनल फेलियर तब हम उसे कहते हैं वन द किडनी के डैमेज वैन द किडनी इज डैमेज फॉर मोर देन थ्री मंथ्स एंड दिस इज डिक्रीज डी एफ आर लेस दैन सिक्स मिली लीटर पर मिनट पर वन पॉइंट सेवन थ्री सिक्सटी आई गेस जी एफ आर लेस दैन सिक्सटी होगा सिक्स नहीं फॉर ग्रेटर दैन थ्री मंथ्स एविडेंस ऑफ किडनी इंजरी अलबिम यूरिया मोर देन थर्टी मिलीग्राम पर ट्वेंटी फोर माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया अब नॉर्मल आर बी माउफोलॉजी आर बी डब्ल्यू बी सी ग्रेनुलर कास्ट अब नॉर्मल इमेजिंग पोलिसिस्टिक किडनी डिजीज डिस्प्लास्टिक किडनीज हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यूटू ऑब्स्ट्रक्शन, कॉर्टिकल स्कारिंग विदिको यूटल रिफ्लेक्स रीनल मैसिसो कॉज अब नॉर्मल इमेजिंग आपको दिखे तो यू कैन यू शुड गो फॉर अ थॉट अ डायग्नोसिस डिफरेंशियल की क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है तो ये स्टेजिंग का अब गया जी एफ आर किस तरह कैलकुलेट करते वायश्स फॉर्मूला हाइड इन सेंटिमेंट इंट पोटेशियम डिवाइड बाई लेवल How would you diagnose a case of chronic kidney disease? normal investigation is <laughs> CBC, RFTs, LFTs. LFTs RFTs, X-rays, arterial blood gases. Uh, uh, specific investigation, you will go for DEMSA scan, MAG-3, DPTA, DTPA, MUCG, uh, kidney ureter, blood X-ray, ultrasound. And uh, how would you manage it? Nutritional management. सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऐसी डोसेज कोई करेक्शन नहीं मैं करेक्शन हाइपर टेंशन के करेक्शन ड्रग डोजेज को एडजस्ट करना है जिनकी रीनल एक्सक्रीशन है रीलॉस डिस्ट्रॉफी इन्फेक्शन रिटार्डेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंस्टल रीनल डिजीज अपने हर कम्प्लीकेशन कं, कं, का वैसे उसको रूल आउट करना है एंड एंड पे पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो एक टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट इनफ्रोल यूटी आई किट्स प्रजेंट विथ फीवर वॉमिटिंग पेन पेल्विक पेन एंड शोज के मिक्चुरेशन में भी डिस है और बर्निंग मिक्चुरेशन है तो ऐसे पेशेंट प्रजेंट करते हैं विद डायग्नोसिस ऑफ यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन क्योंकि उनके यूरिन में पसल पसल्स और अगर दिस द प्योर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम ग्रेटर देन फाइव जनरेस्ट पर फाइव ऑर्गेनिजम पर मिली लीटर ऑफ यूरिन सैम्पल डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स मोर कॉमनलीज इक्वल ए क्लैबीला प्रोटी एस टैफ से प्रोफिटिकस एंड सोडमोना और इसके ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स है यू हैव टू मैनेज एंटीबायोटिक्स हाउ डू डायग्नोज भी डायग्नोज विद कंप्लीट यूरिन एग्जामीशन यूरिन कल्चर नाइट्राइट स्टिक्स नाइट्राइट स्टिक्स में आपको जल्दी पता लग जाएगा बिकॉज बैक्टीरिया दे कन्वर्ट नाइट्राइन द रिलीज नाइट्राइट गैस इमेजिंग में अल्ट्रासनोग्राफी मिक्चरेटिंग सिस्टू यूरथ्रोग्राफी इट आइडेंटिफाइज यूएस को यूरिथ्रलिफ्क्स एंड यूरिथ्रो वॉल्स के डिफेक्ट्स हो रीनल फंक्शन टेस आल् डिटेक्ट तो मैनेजमेंट क्या आपने एंटीबायोटिक देनी है अनकम्प्लिकेटेड केसेस के लिए एंटीबायोटिक दस से चौदह दिन के लिए देते दे, हैं एमोक्सीसलिन कोमोक्सिकलैप निवोफ्लॉक्सिन भी आजकल लोग देते हैं बहुत ज़्यादा और आई भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है नेफ्रोलॉजी में इसके अलावा एक टॉपिक आता है विलियम्स ट्यूमर का जो न्यू ट्यूमर में हमने छोड़ दिया था टॉपिक विलियम्स ट्यूमर क्या फोर इयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद मैथ अबडाम फ्लैंक पेन है हाइपरटेंशन है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है लेफ्ट साइड इट मैस डजन क्रॉस द मिड लाइन दर इज एन एरेडिया कम्प्लीट और पार्शल एबसेंस ऑफ कलर पार्ट आइरस नहीं होता एन एरिडिया हाइपोसपैरियस हॉर्शो किडनीज हाईमी हाइपोट्रॉफी एंड कम्प्लीट यूरिन शोज हिमाचूरिया ऐसे केस में जो मैं दिख रहा है पॉइंट टूवर्ड विलम्स ट्यूमर उस केस में द क्लिनिकल फीचर्स लाइक इट्स जिनेटिक फैक्टर्स में ट्यूमर इज हेरिडिट्री एज फार एज आई नो डब्ल्यू टी वन जीन जो होता है एसोसिएट अब नॉर्मेलिटीज एन एडिया हेमे हाइपोट्राफी हाउ डू डायगनोज डायग्नोसिस सो लाइक रेडियोग्राफिकली डायग्नोसिस है कि रेडियोग्राफी अट्रासोनोग्राफी सी टी स्कैन और अगर मिल जाता है तो इसके मेटासटास भी देखना मेटास्टासाइज तो नहीं कर दिया डिफरेंस ऑफ डायग्नोस मेडीनल है मैनेजमेंट सर्जरी है इसका मैनेजमेंट यू हैव टू रिमूव द लिफ नॉ जो हैव टू रिमूव द सिलेक्ट मेटास्टाज एंड द प्राइमरी ट्यूमर बैन में मे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बाइलिटल ट्यूमर है तो फिर हम एक पार्ट ऑफ द किडनी को रख देंगे रेडियोथेरपी कीमोथेरापी एंड पेशेंट्स विद लोकलाइज्ड डिजीज एंड अेवरेबल हिस्टॉलॉजी दे अ ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल 90 परसेंट पेशेंट्स विद अनफेवरेबल हिस्टॉलॉजी ऑफ दे डूपोअरली देव एनाप्लास्टिक्स ट्यूमर एंड्रोम सारको मैटर्स ट्यूमर तो उनकी प्रॉब्लम पूर्व होती है दिस इज आल अबाउट नफरॉजी खैर